बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। इसका डिज़ाइन जो है वो काफ़ी इंस्पायर्ड है R1 और R6 से, तो दिखने में तो काफ़ी सेक्सी लगती है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ इसकी चैसी जो है, इसकी वो डेल्टा बॉक्स है जो R1 में पहले से आ रही है हमेशा से। अभी जब मैं इसे चला रहा हूँ तो पहली चीज़ तो ये महसूस हो रही है, काफ़ी रिफाइन है बाइक, वाइब्रेशन नहीं है अभी तक, तो नहीं है 4,500-5,000 RPM तक। जो इसकी सीट हाइट है वो है 815 mm, और पहले से थोड़ी बड़ी है ये। और ये मुझे नहीं पता था यहाँ पे चार्जिंग के लिए USB भी दे रखी है, तो प्लस पॉइंट एक ये है इसका। सिर्फ 139 kg की है वेट, मीन्स फुल टैंक के साथ 139 kg, जो कि पहले से लगभग 3 kg वर्जन 2 से हैवी है। जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी पहले से ज़्यादा है, 170 दे रखा हुआ है। वैसे ज़रूरत नहीं थी पर अच्छी बात है जो ज़्यादा। इसका जो व्हील बेस है वो है 1325, वो भी 20 mm कम है पहले से। काफ़ी बढ़िया लगती है बाइक, सेक्सी लगती है हर तरफ से आप देखते हो जो। चलो अब इसे चला के देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे ही आप बैठते हो, यहाँ पे लिख के आता है हाई बडी, और इसमें नाम भी लिख के आ सकता है अगर आप चाहो तो। यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर है, गियर दिखाता है कौन सा है, किलोमीटर ट्रिप मीटर लगी हुई है, ट्रिप टू क्लॉक, और माइलेज एवरेज, एवरेज माइलेज कितना दे रही है, और एवरेज स्पीड कितनी है आपकी, ओडो, मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको। तो अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। 155cc का इंजन है जो कि प्रोड्यूस करता है 19.3 bhp, 15 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और जो वेट है इसका 139 है, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा पावर टू वेट रेशियो है इस बाइक का, तो काफ़ी अच्छा पावर है इस बाइक का। 150cc की अगर बाइक आप देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा पावर है इस बाइक में। और रिफाइनमेंट की बात करते हैं तो काफ़ी अभी तक तो इंजन रिफाइन है। पहली चीज़ तो ये है, अभी मैंने इसे मतलब थोड़ा सा भगा के देखा तो बिल्कुल ये बिहेव नहीं करती है 150cc बाइक की तरह, और ऐसा लगता है कि आप लगभग 200-250cc बाइक चला रहे हो। अगर गियर बॉक्स की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिफाइन है और काफ़ी स्मूथ है इसका गियर बॉक्स, अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि एक तो पहली चीज़ तो इसमें स्लिप एंड असिस्ट क्लच दे रखा है, विच मीन स्लिपर क्लच और भी कुछ होता है, टेक्निकल टर्म तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ काफ़ी स्मूथ है। अगर अब मैं बात करता हूँ ट्रांसमिशन की, 6-speed ट्रांसमिशन है इसमें, तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता था एक इंजन और एक गियर बॉक्स का, तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है यहाँ पे इस इंजन का और इस गियर बॉक्स का। जाती रेड लाइन इसकी 11,500 RPM पे है। इसमें कुछ VVA दे रखा है जो है वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन, वो करता क्या एग्जैक्टली अब मुझे टेक्निकल इसका स्पेक्स तो नहीं पता क्या करता है, लेकिन हाँ अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊँ तो जो इसके वाल्व्स हैं वो डिफरेंट तरीके से एक्ट करते हैं जब आप लोअर RPM में होते हैं। क्योंकि जो पहले की R1 होती थी उनमें क्या होता था कि आप ट्रैफिक में होते थे तो वो स्थिति लोअर RPM पे, इतना अच्छा पावर डिलीवर नहीं होता था, वो कुछ था उसमें। लेकिन जो इसमें यमहा ने VVA कुछ टेक्नोलॉजी डाली हुई है, उससे आपका लोअर RPM में आपको काफ़ी पावर मिल जाती है, जिससे आप आसानी से सिटी में ट्रैफिक में क्रूज कर सकते हो, निकल सकते हो विदाउट एनी इशू। तो ये एक प्लस पॉइंट है जो लोग इसे सिटी में चलाना चाहते हैं। और देखो
अगर मैं राइड क्वालिटी की बात करता हूँ यहाँ पे, तो जो सीट है इसकी वो काफ़ी कंफर्टेबल है, और जो सस्पेंशन है वो पहले से ज़्यादा स्टिफ है, और जो राइडिंग पोस्चर है वो पहले से ज़्यादा एग्रेसिव है, विच मीन्स यमहा ने क्लियर कर दिया है कि ये बाइक जो है हमने बेसिकली कॉर्नर्स को हिट करने के लिए बनाई है। जो सस्पेंशन सेटअप है वो भी वर्जन 2 से आप अगर कंपेयर करते हो यमहा R15 वर्जन 2 से, तो काफ़ी स्टिफ है। फ्रंट सस्पेंशन जो है वो 41 mm का है टेलीस्कोपिक, पहले शायद इससे कम था, लगभग 5 mm तक इससे कम था, लेकिन इस बार 41 mm का किया हुआ है। पीछे मोनोशॉक है जो कि स्विंग आर्म्स पे कनेक्टेड है। तो व्हील्स की बात करते हैं, 17 inch के दोनों व्हील्स हैं। फ्रंट जो है वो 100x80 है और रेयर जो है 100x70 है। पहले के मुकाबले काफ़ी चौड़े व्हील दे रखे हैं और ये आपको कॉर्नर्स काफ़ी हेल्प करते हैं। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता पहले कि R15 में कितना साइज़ था, पर हाँ इससे कम साइज़ था उनका। और ब्रेकिंग सेटअप की अगर बात करता हूँ तो 282 mm का फ्रंट में आपको दे रखा है और 220 mm का रियर में। ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन जो फीडबैक आना चाहिए राइडर को वो उतना अच्छा नहीं है। आफ्टर मार्केट पैड्स यूज़ करते हो तो आई एम श्योर फीडबैक काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं फ्यूल वगैरह की। फ्यूल टैंक जो है इसका 11 लीटर का है और पहले जो था वर्जन 2 में वो 12 लीटर का था। तो माइलेज जो आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो 38-40 kmpl, जो कि आपको लगभग 400 किलोमीटर की टैंक रेंज मिल जाएगी, वो काफ़ी बढ़िया है। क्योंकि मुझे पता है ज़्यादातर कुछ लोग इसे टूर के लिए भी यूज़ करेंगे, तो हाँ आप टूरिंग इससे कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी अच्छा माइलेज है इसका। और अगर आप इसे और भी बेटर कर सकते हो अगर आप इसे आराम से चलाओगे तो। तो अब बात कर लेते हैं दो चीज़ों की जो मुझे पसंद नहीं आई। पहली तो ये स्विच गियर, ये डायरेक्ट FZ250 से निकाल के इसमें लगा दिए गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि कोई बंदा जब 1.5 lakh rupees इन्वेस्ट कर रहा है उसको आप ऐसे स्विच गियर दे रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ख़राब है, लेकिन बेटर हो सकते थे, क्योंकि ये प्रीमियम बाइक में आती है यमहा की। तो या और ABS, हाँ ABS इसमें नहीं है, यमहा को कम से कम एज अ ऑप्शनल ABS इसमें देना चाहिए था, जो कम से कम लेना चाहें। अब 2019 में वैसे तो कंपलसरी होने वाला है ऐसा सुना है, लेकिन 2019 में हो सकता है सरकार बदल जाए, तो हो सकता है भाई कुछ भी हो सकता है यार, कुछ कह नहीं सकते गवर्नमेंट का। तो कम से कम ऑप्शनल ABS देना चाहिए था। अब लगभग मैं इसे लगभग 20 से 25 मिनट से चला रहा हूँ इसको, बाइक को। तो एक चीज़ मैं ये बता दूँ कि मेरा यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट पेन हो रहा है और बैक पेन होना शुरू हो गया हल्का हल्का सा, क्योंकि मैं इतनी एग्रेसिव बाइक वैसे चलाता नहीं, क्योंकि मैं ड्यूक चलाता हूँ। RC का भी सेम केस है, इसका भी सेम केस है, दोनों की राइडिंग पोस्चर काफ़ी एग्रेसिव है। वर्जन 2 की इतनी एग्रेसिव नहीं थी और जो सस्पेंशन सेटअप था वो भी इतना स्टिफ नहीं था, लेकिन इसका सस्पेंशन सेटअप स्टिफ है। फ्रंट का होना चाहिए था और भी स्टिफ अगर आप इसे पूरा कॉर्नर एडिक्ट बनाना चाहते हो बाइक को, मतलब कॉर्नर्स के लिए काफ़ी अच्छी बाइक है ये। अब यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं कहीं से। ओ तेरी, मैंने जितना इसे सोचा था कि इतनी पावरफुल, उससे ज़्यादा पावरफुल है ये। एक सेकेंड, तो मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा पावर है इस बाइक में, और
मुझे पता भी नहीं चला कब 120 तक पहुंच गई है। तो अगर मुझे लगता है इससे कोई फर 150 से आपको इससे फास्टेस्ट बाइक मिलेगी इंडिया में तो नहीं मिलने वाली फिलहाल। अभी आपने जब देखा होगा मैंने बाइक अभी भगाई थी तो 6,500-7,000 RPM के आसपास VVA यहाँ पे दिखा रहा था। इसका मतलब था कि VVA एक्टिवेट हो गया है, तो अच्छी चीज़ है यहाँ पे दिखाता है। और इस वीडियो को मैं यहीं पे कंक्लूड कर देता हूँ। तो जो लोग इसे सिटी में चलाने के लिए लेना चाहते हैं आप ले सकते हो, अगर आप इसे चला सकते हो तो, विच मीन्स कि अगर आपको रिस्ट पेन नहीं है बैक पेन नहीं है तो आप इसे आराम से चला सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। क्योंकि पहले यामाहा R15 स्ट्रगल करती थी ट्रैफिक में, इतना अच्छा पुल अप नहीं था, क्रूज़ करने में दिक्कत होती थी सिटी ट्रैफिक में, लेकिन VVA की वजह से काफ़ी अच्छा हो गया है ये मामला अब यहाँ पे। और हाईवे के लिए वही सेम चीज़ है, वैसे तो टूर के लिए बाइक नहीं बनी है क्योंकि अगर मैं इस पर टूर करूँगा तो पक्का मेरी बैंड बजने वाली है, तो लेकिन जो लोग कर सकते हैं उनके लिए भी अच्छी बाइक है क्योंकि आप इस पर आराम से क्रूज़ कर सकते हो, 90-100 आराम से क्रूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये है कि 100 पे क्रूज़ करने में यही दिक्कत है कि इसमें ABS नहीं है, तो वो एक इशू है जो कि मेरी भी KTM Duke में है। अगर मैं 100 पे क्रूज़ करता हूँ तो दिक्कत ये होती है कि अचानक से कोई सामने आ गया तो आप, हाँ प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग कर सकते हो वो चीज़ है। और अगर आप इसे माउंटेन्स पे लेके जाना चाहते हो, ट्रैक पे लेके जाना चाहते हो, एक चीज़ चेंज करो और पूरी बाइक ये बेहतर परफॉर्म करेगी, वो है इसके टायर्स। इसमें MRF आपको मिलते हैं, तो अगर आप अपग्रेड करते हो, देखो यामाहा आपको ऑप्शन देता है फ्रंट MRF और मेटलेस, वो मत लेना, उसका कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि आपका फ्रंट एंड जो है वो ज़्यादा ग्रिप उसमें होनी चाहिए जब आप कॉर्नर लेते हो, मतलब काफ़ी अच्छा सॉफ्ट कंपाउंड का टायर होना चाहिए। आगे MRF पीछे मेटलेस कोई कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो जब भी आप अपने आप से चेंज कराओ, तो अगर आपको कॉर्नर माउंटेन्स पर बाइक लेके जानी है तो मेटलेस लेकिन इसमें मेटलेस डालो या पिरेली डाला लो, कोई सॉफ्ट कंपाउंड टायर डाला लो और इन द कॉर्नर एंड आउट द कॉर्नर आपको शूट करेगी, बहुत ज़्यादा पावर है इस बाइक में। यस यू कैन से दैट दिस इज द बेस्ट 150cc बाइक यू कैन गेट इन इंडिया। ये सबसे अच्छी बाइक है, बेस्ट बाइक है अगर आप 150cc कोई बाइक लेना चाहते हो, इससे बेटर आपको ऑप्शन भी नहीं है कि आप एक बार सोच भी लो, ठीक है। हाँ आप अगर आप राइडिंग पोस्चर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जैसे जिक्सर हो गया वगैरह वगैरह हो गई, लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करो तो इसे कोई नहीं बीट कर सकता। इवन 180 और 200 तक की कोई कॉम्पिटिशन देती है बाइक, तो परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ज़्यादा बढ़िया बाइक है। कंफर्ट आपको देखना, अगर आप चला सकते हो तो अच्छा है, नहीं चला सकते हो तो फिर इस बाइक को लेकर कोई फ़ायदा नहीं। हाँ ओकेजनली चलाना चाहते हो तो भी ये बहुत अच्छी बाइक है, मतलब संडे राइड हो गई या फिर आप ट्रैक करते हो या फिर माउंटेन्स में रहते हो या आस पड़ोस में जाते हो घाट्स में, तो बहुत ही अच्छी बाइक है, बहुत ही पावर है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आई होप जो सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इस बाइक के बारे में, और इसके एक दो वीडियोज और आएंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन एज ऑलवेज राइड सेफ, एंजॉय लाइफ, आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।